नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर में 18 अप्रैल को बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी जी इसके बैंक्वेट हॉल में इफ्तार पार्टी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुजफ्फरपुर के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जीतन राम मांझी शामिल हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन संजर आलम शरीफुल हक के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता लोग शामिल हुए। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, जदयू के नेता सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन आजकल काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि ईद का माहौल है और राजनीतिक गलियारों में इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक लोगों को जोड़ने का एक अच्छा मौका रहता है। लोग इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। इफ्तार पार्टी के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया बंधुओं से बात भी किया, कई सवालों के जवाब दिए। कुछ सवाल ऐसे थे जिन सवालों पर वो चुप रहे और गोलमोल बातें कहकर निकल गए। जैसे एनडीए में जाने की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि रोज़ नई अटकलें लग रही हैं, कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहा जाता है, कभी ये तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कहा जाता है, तो फिर उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं होता है मीडिया का, सिर्फ मुझसे ही सवाल पूछते हैं। शराबबंदी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं लगातार मुख्यमंत्री से इन बातों की चर्चा कर भी रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर समीक्षा करूँगा। कुछ बातें कहने के बाद उन्होंने शराबबंदी कानून पे कुछ नई नई बातें भी उन्होंने रखी हैं, जैसे मुआवजा की बात है। ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया बंधुओं से कहा। इफ्तार पार्टी में कई लोग शामिल हुए। संजर आलम और शरीफुल हक के द्वारा जो मुजफ्फरपुर में इसके बैंक्वेट हॉल में इफ्तार पार्टी का जो आयोजन हुआ, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी में जाने की सर कैसे लगाई जा रही है सर? आपके इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता भी जाते हैं और राजद की इफ्तार पार्टी में बीजेपी में जैसा सब जगह से बना करते हैं, क्या कुछ हो जाए सर? अभी तो बीजेपी के साथ ही एक देखा कि यहाँ पर आए थे, गया पटना में तो नहीं आए थे, यहाँ तो देखा कि आए और पार्टी में इससे नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीपीआई हो, भगवान से प्रार्थना करने में कोई पार्टी या कोई जाति या कोई दल का मामला नहीं बनता है। सब मिल कर के लोग प्रार्थना करते हैं और ये रमजान का पाठ महीना है, ऐसे समय में शुद्ध दिल से शुद्ध चित्त से आपस में मिलते हैं और साल भर मिलते रहेंगे, इसका बहुत अच्छा प्रभाव और अच्छा असर। इसलिए पार्टी से तो नहीं होगा, भविष्य में अगर एनडीए में जाना पड़े तो कोई परहेज तो नहीं है, चूँकि अभी तक सवाल ये निशान है जितना मालिक किधर जाए। देखिए, ये सब बार बार आप लोग बात बोलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे, तो तेजस्वी को भी कहते हैं कि क्या करेंगे। कहने का मतलब ये सब आप लोगों का नहीं, तो आप लगातार शराबबंदी पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा के बारे में हमने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बोले हैं कि हम लोग बुलाएँगे कि क्या होना चाहिए आगे, तो ये अच्छा सोच है, हमने भी मांग किया था और दो बार तो समीक्षा की बात की है, दो बार समीक्षा उन्होंने की है, बहुत हद तक रियायतें दी है भी, लेकिन और भी रियायत की ज़रूरत है और जो विश्वमाई जो लोग हैं उन लोगों को रेस्क्यू कराने की ज़रूरत है। इस पर आपस में मिलजुल करके बातें होगी और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी है आपसे 10 दिन पहले कि निकट भविष्य में हम लोग
खराब नीति पर शासक दलीय बैठक बुलाएंगे।